बिल्कुल नहीं है जी शहर में बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, जो आप दीवाने किसके हैं? हम तो जी वोट हज जनवर को देवेंगे जी। दीवाने हैं उनके पक्के? हाँ जी हाँ जी, वोट उन्हीं का ही है। अच्छा हाँ जी। अरे किस कास्ट से आप? चमार। तो पूरा वोट जो है हजी अनवर को जाएगा? चमारों का पूरा वोट हजी अनवर को है, वार्ड नंबर एक से। क्या पसंद आया उनका? विकास अच्छा करा जी, कोई गुंडा करती तो बिल्कुल भी नहीं शहर में। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है, कोई किसी बिरादरी का कोई गुंडा करती नहीं है, अपना काम कर रहे, मजा आ रहा सबका। अच्छा यहाँ हजी अनवर जी है, राशि चेयरमैन जी है और इधर सेठपाल जी है, आप कौन से जो है उम्मीदवार को मजबूत समझ रहे हैं कि वो जीत की सफलता इधर से हासिल कर लेंगे? देखिए अजय अनवर सिंह जी ने जो पिछले 5 साल उन्होंने गुजारे हैं वो बहुत अच्छे रहे उनके, यानी कि दूसरे प्रत्याशी जहाँ उन्होंने विकास कराया तो अजय अनवर ने वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म करी। आप देख लीजिए कहीं भी चौक बाजार में रात को 12 बज रहे हो या 1 बज रहे हो, आप सफर करते हैं, आपको ऐसा महसूस रहेगा कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो अजय अनवर ने पहली तो सबसे पहली बात तो उन्होंने शहर से गुंडागर्दी खत्म करी, और अगर अब हमने उनको मौका दिया तो वे विकास के मामले में इंशाल्लाह किराना को नंबर वन बनाने का काम करेंगे। विकास के मामले में? बिल्कुल बिल्कुल। विकास कैसा हुआ किराना में हजी अनवर? देखिए जो शहर हदूद की बात करूं तो हजी अनवर सिंह जी ने कम से कम लगभग 25 से 30 हजार के बीच में जो वोट जो है किराना के अंदर जोड़ने का काम करा। अच्छा। वो किसी प्रत्याशी ने अब तक नहीं करा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले 24 वार्ड थे किराना में, 25 वार्ड और अब के 28 से 29 वार्ड है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो अच्छा अनवर सिंह जी ने यही सबसे बड़ा काम किया, इससे लोगों को और ज्यादा उम्मीद जो है उनके, मतलब वो बेचारे जो है झोपड़ियां थी उनके, कोई काम विकास इस तरह का अच्छा नहीं होता था उन कॉलोनियों में, अब जो है उनको काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दों को लेकर जनता के बीच, विकास के मुद्दों, विकास के मुद्दों को, चेयरमैन पद के कौन से अच्छे उम्मीदवार लगे आपको? बस ये तो सबका अलग है, अलग अलग, यहाँ तो ज्यादातर हजी अनवर हसन का जोर है। अच्छा हजी अनवर का ज्यादा जोर है। हजी अनवर में क्या आपको मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं हजी अनवर या राशिद जी भी विकास के मामले में? ये विकास का सब उनके टाइम पे जो विकास करा उन्होंने भी अच्छा करा अपने टाइम पे विकास। अच्छा अच्छा। अब अज्जी का हिसाब भी देख ले, ये भी 5 साल चेयरमैन नहीं रहे इनकी, तो कैसा काम हुआ हजी अनवर जी का? ठीक हुआ जी, बढ़िया। अच्छा हजी अनवर जी के टाइम में विकास कैसा हुआ? बढ़िया काम हुआ जी। हल्का हुआ इधर? नहीं, हमारी तो गली की सड़क बेकार हो रही थी, वो उन्होंने बनाई अजय अनवर ने। और पानी की समस्या? पानी की समस्या भी ठीक है, गरीबों का देख गरीबों की देखभाल की उन्होंने? मुझे तो नहीं पता, मतलब गरीबों की सुनी समस्या सुनी? तो ये सड़क खराब हो रही थी, सड़क बनवा दी थी, हाँ गुंडा कर दी तो हो गई खत्म। हमारी जो मोहल्ले की सड़क टूट रही थी बिल्कुल, झज्जर हो रही थी वहाँ, इंटा पिंटा। अच्छा यहाँ कहते हैं बाहर के नेता आते कि गुंडागर्दी है किराने में, गुंडागर्दी जो है कैसी है? गुंडागर्दी नहीं है यहाँ, गुंडागर्दी खत्म, जीरो बिल्कुल, जीरो जीरो गुंडागर्दी, कोई गुंडागर्दी। हाजी अनवर जी से उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है उनसे। गुंडागर्दी दोस्तों में शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम फिर से किराना शहर में मौजूद है और किराना शहर में निकाय चुनाव के जो बिगुल बजा था अभी कम ही दिन बाकी है। अब हम जानने की कोशिश करें कि किराना शहर में चेयरमैन पद के कौन मजबूत उम्मीदवार है और कौन इस अपनी जीत की जो है बिगुल बजा रहा है, और यहीं से मेंबर भी कुछ अपने प्रत्याशी हैं और उनके कुछ यहां पर कार्य जो है कार्यकर्ता मौजूद है। सबसे पहले हम यहां पर आए हैं एक भाई। अच्छा कैसे हो भाई जी? अच्छी जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया सब? हाँ जी। अच्छा यहाँ इस वार्ड से प्रत्याशी हैं आप? बिल्कुल जी। तो किस वजह से आप यहाँ से प्रत्याशी पद के जो उम्मीदवार हुए हैं, इरादा क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप सामने आए? इरादा तो ये है जी, विकास करें बढ़िया, बड़े छोटों का अपना सम्मान करें, बड़े छोटों का सम्मान। बिल्कुल। यहाँ से किराना में सेठपाल, राशिद और हाजी अनवर जी हैं, आप जानते हैं ये जो किराना चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। तो हाजी अनवर जीत रहे हैं यहाँ से, राशिद जीत रहे हैं, सेठपाल जी जीत रहे हैं? देखो जी लेर तो सारू की है जी, सारे गिरे जी, पक्का तो पता नहीं जी, पक्का पता नहीं। बिल्कुल। अच्छा वह इसके पीछे का कारण क्या है कि मेंबर जो है बचने की कोशिश करता है? कोशिश तो कुछ नहीं जी, पता क्या अजीब का तो अंकों पे है ना पर्दा है जी सबकी, कोई साफ खुल के ही नहीं आ रहा, कहीं नहीं रहा कोई साफ। अच्छा। आप भी यहाँ इंटरव्यू लेते फिर आपको भी पता ही है इस चीज का? नहीं बोल तो। अच्छा अच्छा, युवा है आप भैया? बिल्कुल, काम मिलेगा। और जो है कुछ लोग जो है उनको विकास तक उनके पास नहीं पहुंच रहा था क्योंकि हमें गांव में आते थे, अब उनको गांव से हटा करके शहर में जोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा। तो शहर में उनको लाभ मिलेगा, सारी सुविधाएं जो उनको शहर वालों की तरह मिलेगी। अच्छा अच्छा जी। अजय अनवर सिंह हसन जी ने जो भी काम किया है वो 5 साल में सबके सामने है, और अब के अगर उसे 5 साल जनता चुनती है तो इंशाल्लाह विकास के मामले में अजय अनवर सिंह जी इसको नंबर वन बनाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि अजय अनवर जी यहाँ से चेयरमैन बन जाएंगे? बन जाएंगे जी, बन जाएंगे। अच्छा यहाँ हजी अनवर जी पसंद आ रहे हैं या चेयरमैन? हजी अनवर पसंद ही क्या, हजी अनवर ही जीतेगा, पसंद ही क्या बात है, हसन परिवार सेवा कर रहा है इतने दिनों से यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा।
मतलब सेवा कर रहे हैं हजी अनवर जी? हाँ हजी अनवर का उनका पूरा परिवार ही सेवा कर रहा है हमारे शहर की। तो अच्छा, अनवर है नहीं है हसन है, हसन परिवार तो शुरू से यहाँ सेवा कर रहा। आपको लगता है भारी बहु इंशाल्लाह भारी बहुमत से खूब फूल जीतता है हजी अनवर? एक तो बरात करनी है हमारे यहाँ इधर इस मोहल्ले में, इस वार्ड में बरात करनी है, मेडिकल नहीं है यहाँ से, बच्चों के वास्ते स्कूल भी नहीं है। अच्छा हाँ जी। तो आपको उम्मीद किससे है, अजय अनवर जी से, राशि जी से? बस जनवर से उम्मीद है जी, जीतने के बाद बनवा देंगे, पक्का बना देंगे, पक्का करवा देंगे। दीवाने हैं आप उनके? हाँ जी दीवाना है पक्का, ये पूरा वार्ड ही दीवाना है उनका। एक कौन सा वार्ड है? वार्ड एक हाँ। पक्का दीवाना है? पक्का दीवाना है। मतलब यहाँ से कुछ वोट ले जाएंगे या मतलब? नहीं सारे वोट नहीं बजाएंगे, एक बिरादरी जाएगी। आप कौन किस बिरादरी से हैं? हम तो गाढ़े से गाढ़े हैं। आप ही की बिरादरी जाएगी, और भी जा सकती है? और भी जाएंगे जी, बहुत वोट जाएंगे, बहुत वोट जाएंगे। किसके दीवाने बैठे? अजय अनवर के दीवाने हो?